हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं नान खटाई की रेसिपी। नान खटाई तो खाना सभी को काफी अच्छा लगता है, तो चलिए आज हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है बाउल, और अभी इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी देसी घी। पिसा हुआ शक्कर, इसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसे हम लगातार चलाते हुए चम्मच की हेल्प से फेंट लेंगे। और अभी इसका जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है और ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। और अभी इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मैदा, चार चम्मच रवा, चार चम्मच बेसन, एक चम्मच इलायची का पाउडर, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और डो जो है वो तैयार करना है। आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाकर तैयार करते हो, उसी तरीके का आपको आटा लगाकर जो है वो तैयार करना है नान खटाई बनाने के लिए। आप चाहे तो नान खटाई को ओवन या फिर कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। दोनों तरीके से आप नान खटाई जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हो। नान खटाई बनाने के लिए हमने आटा लगा लिया है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको लेकर छोटे छोटे बॉल्स जो है वो बनाकर तैयार करने हैं। इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। इसी तरह से आपको सारे नान खटाई जो है वो बनाकर तैयार करने हैं। आप चाहे तो नान खटाई छोटे या फिर बड़े साइज के बना सकते हो। सारे नान खटाई हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हमने प्लेट ले लिया है और इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से हमने ग्रीस कर लिया और इसे हम काजू से गार्निश कर लेंगे। आप अपने मनपसंद के कौन से भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। अभी हम सारे नान खटाई जो है वो प्लेस कर देते हैं, और बीच में कुछ डिस्टेंस रखने हैं। कढ़ाई को हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, और ये अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका है, तो इसमें हम रख देंगे स्टैंड। और इस तरीके से आपको कढ़ाई में प्लेस कर लेना है। और अभी हम लगा देंगे ढक्कन, और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से फूल चुका है, ये अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, और इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है, और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम आपको तोड़कर बताते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट स्टाइल नान खटाई जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हुआ है। नान खटाई जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।